हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस सेशन ऑफ ज्ञानदीप। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, रिटन बाय अमिताव घोष। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेखक जो हैं अमिताव घोष जो और शाहिद जो हैं, दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं और अमेरिका में रहते थे। और उससे पहले जो हैं वो स्कूलिंग का जो कॉलेज में जो है वो इकट्ठा पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, परंतु जो उनका टाइमिंग था जो क्या था वो ओवरलैप करता था, तो वो आपस में कभी भी नहीं मिले, नेवर मेट। तो कभी भी, और उसके बाद जो है उन्हीं के जो है कुछ फ्रेंड्स जो थे कॉमन थे, और उनमें से एक फ्रेंड ने जो है उनको मिलवाया था आपस में, और तभी से जो है उसके बाद जो है वो ब्रुकलिन चले गए थे और वहीं पे जो है ऑथर भी रहते थे, और कभी कभी जो है ओकेशनली जो है वो खाने पे जो है मिल जाते थे आपस में। और तब जो है उनके उनके क्या थे पता चला था कि कुछ चीजें जो है दोनों में जो है कॉमन है, जैसे कि उनको पुरानी फिल्मों का शौक था, क्रिकेट का शौक नहीं था, किशोर कुमार के जो है गाने जो है उन्हें बहुत पसंद थे, पुरानी फिल्में पसंद थी, और ऑथर को भी जो है यही चीजें पसंद थी। तो किस तरह से जो है दोनों की जो है जो लाइकिंग थी जो है क्या थी, ऑलमोस्ट सेम थी। तो धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप जो है थोड़े से समय में जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और किस तरह से जो है फिर हॉस्पिटल में जो है एडमिट होते हैं, सब लेने के लिए जाते हैं, तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो शाहिद्स ग्रीगेरियसनेस हैड नो लिमिट, देयर वाज नेवर एन इवनिंग। जो है उनके अंदर जो जोश जो था वो जो था क्या था उसकी कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है। There was never an evening when there was not party in his living room. और कोई दिन जो है जो उनका मेल मिलाप, ग्रीगेरियसनेस का मतलब क्या होता है मेल मिलाप, कि कोई जो है लिमिट नहीं थी। ऐसा नहीं लगता था उनको देख के कि वो जो है he was suffering from cancer, और अभी जो है उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब। तो there was never an evening, कोई ऐसी मतलब शाम नहीं थी, there was when there was not a party in his living room, कि उनके घर में जो है कोई पार्टी ना हो रही हो। I love it that so many people are here, he told me once, और एक बारी उन्होंने जो है शाहिद ने जो है ऑथर को बताया था, राइटर को बताया था कि उन्हें जो है लोग जो है लोगों से मिलना और लोग उनके घर में आए, ये चीजें जो है बहुत पसंद थी शाहिद को। आई लव इट दैट पीपल केम एंड देयर इज ऑलवेज फूड, और वो मतलब और उन्होंने क्या बोला था कि उन्हें लोगों का आना घर में और खाना खाना, और इतना खाना होना चाहिए घर में कि लोग आए और एंजॉय करें। आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, फेस्टिविटी मैंने जैसे त्योहार का जब लोग घर में आते हैं ना तो कैसा लगता है, मेला सा लगा रहता है कि त्योहार, ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल होगा। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड, और जो है अब क्योंकि उन्हें पता था कि वो अप्रोच करे हैं डेथ को, तो वो नहीं चाहते थे कि, वो चाहते थे कि घर का माहौल जो है कि अच्छा रहे, और वैसे भी अगर कोई घर में बीमार हो तो घर का जो माहौल है जो है खुशनुमा जो है बनाना चाहिए, ना कि और ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं बनाना चाहिए, कि उससे क्या होता है कि जो बीमार आदमी है जो 4 दिन जीना होता है वो एक ही दिन में मर जाए। तो वो भी चाहते थे कि घर का जो माहौल है जो है वो सही रहे। His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of a newly renovated बिल्डिंग, और नई जो है रेनोवेट करी हुई थी एक बिल्डिंग, उसके जो है 7th floor में है, और काफी हवा और मतलब काफी स्पेसियस थी जगह बहुत थी उनका जो है अपार्टमेंट था। देयर वॉज ए कैवर्नस स्टडी, कैवर्नस मीन्स एक गुफा टाइप में बोलते हैं जिसको, स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर, और टॉप फ्लोर में जो है एक रूम था, एंड ए वाइट टेरेस, और टेरेस था That provided a magnificent view of the Manhattan skyline, और वहां से जब मैनहट्टन का जो है आसमान देखते हैं, स्काई लाइन देखते हैं, तो अक्रॉस द ईस्ट रिवर, शाहिद को जो है ये व्यू जो है जब वो अपने छत के टॉप में से जब इस व्यू को देखते हैं नेचर का, जो क्योंकि जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं लव नेचर, नेचर से जो है प्रकृति से जो है ना बहुत प्यार होता है, तो सिमिलरली जो शाहिद है उन्हें जो है ये वाला सीन जो है बहुत अच्छा लगता था कि जब वो वहां पे से देखते थे।
इस फ्लोर, शाहिद लव दिस व्यू ऑफ ब्रुकलिन, वाटर फ्रंट इज स्लीपिंग लाइक ए घाट इन टू द ईस्ट रिवर अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ, और जब जब रात का समय होता है और जब हम छत में जाके देखेंगे, टॉप में 7th फ्लोर पे जाके हम देख रहे हैं और लाइट जब ग्लिटरिंग कर रही है और पानी में जो उसका व्यू आता है, तो क्या होता है, बहुत ही, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो ये वाला जो सीन जो है शाहिद को जो है बहुत ज्यादा पसंद था। द जर्नी फ्रॉम द फॉयर ऑफ शाहिद्स बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज ए वॉयस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स ऑन द वे अप द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश एंड हॉक वुड इनवेड द डोर ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइस दैट वर ऑलवेज इकोइंग। इकोइंग मीन्स आवाज टकरा के जाना, और जो उनके घर के अंदर जो चहलकदमी रहती थी और जो म्यूजिक का साउंड रहता था, तो ऑथर जो कह रहे हैं कि वो जो है इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, और जो उनके अपार्टमेंट से जो गूंजता था, इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल, और जब लोग आते थे डोर बेल की आवाज आती थी, हैड एन ऑर्डली म्यूजिकल साउंड। सडनली शाहिद वुड अपियर फ्लिंगिंग ओपन द डोर रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ विंग इन टू द फ्रॉस्टी न्यू यॉर्क एयर। Oh, how nice, he would cry, clapping his hands. How nice that you have come to see your little moss lamb. Invariably, there would be some half dozen or, और उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने लोगों को देखा, तो there would be some half dozen or more people gathered inside. और जब उन्होंने देखा कि आधे दर्जन से जो लोग जो हैं उनके घर जो हैं इकट्ठा हो रखे हैं, poets, students, writers, relatives, एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग, और किचन में जो है कोई कुछ लोग जो है क्या बना बी कुकिंग और मेकिंग टी ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड इवन एज हिज लाइफ वॉज बींग कंज्यूम्ड बाई हिज डिजीज। और जैसे उन्हें लग रहा था कि उनकी जो लाइफ है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, उनकी बीमारी कैंसर, क्योंकि कैंसर ऐसा है लाइलाज है अभी भी। He was the center of the perpetual carnival and endless mela of talk, laughter, food, of course, poetry. और जब इतने सारे लोग घर में रहते हैं तो कैसा रहता है घर का माहौल, कि लोग हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाने की खुशबू आ रही है, तो ये सारा जो है उनके घर में, एंड ऑफ कोर्स पोएट्री। No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening's meal. और कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं शाहिद के घर में, ये बातें जो है उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती थी, lost track of the progress of the evening meal. और उनके जो शाम को जो खाना बनता था, इवनिंग मील जो बनता था, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आया था। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ to shout directions to whoever was in the kitchen, yes now add the dahi now, और कभी कभी जो है वो जो है interrupt माने बीच में टोकते थे और बोलते थे जहां से किचन से जहां पे आवाजें आती थी, yes now add the dahi also, और वो कहते थे simple सा जो है उनको, क्योंकि खाना जो है बहुत पसंद था, तो कहते थे add dahi now. Even when his eyesight was failing, अब जो उनकी आंखें जो हैं क्या हो गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, he could tell from the smell alone exactly which stage the Rogan Josh had reached. अब जो है उनकी जो है आंखों से कम दिखाई देने लगा था, खाली वो क्या करते थे, कोई भी खाना या कुछ भी घर में पकड़ा बनता था तो उसकी स्मेल से जो है एग्जैक्टली वो जो है ये पता कर लेते थे कि कितना किस स्टेज में वो जो है खाना बना है, रोगन जोश जो है कितने स्टेज में वो पहुंचा है, अभी पका है या हाफ कुक्ड है। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड ही वुड स्निफ माने सूंघना, क्योंकि उनकी आई साइट क्या हो गई थी, एज आई टोल्ड यू कि क्या हो गई थी, वो कमजोर होने लगी थी, तो खाली वो क्या करते थे सूंघने, स्मेल करते थे खाली, स्निफ माने सूंघना, तो खाली क्या करते थे वो सूंघते थे उसे, द एयर और हवा में जो खुशबू थी उसको खाली, द एयर एंड क्राई आउट लाइट और जोर से चिल्लाते थे, आह खाना खाना का क्या महक है, खाने की क्या महक है, कि क्या खुशबू है,
क्योंकि देख सकते नहीं थे, वो कमजोर हो गई थी आईज उनकी, वो खाली जब हवा में जो खुशबू, सबको पता है ना अगर अड़ोस पड़ोस में राजमा चावल बनते हैं तो खुशबू फैल जाती है हवा में, तो सिमिलरली जब वो उनके किचन में जो खाना बनाता, जो हवा में जो है महक आ रही थी, खाने की खुशबू आ रही थी, तो वो जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और क्योंकि खाली वो क्या कर सकते हैं, ही वुड स्निफ द एयर, एयर में सूंघा उन्होंने और बोला आह खाने खाने की क्या महक है। शाहिद वॉज लेजेंडरी फॉर हिज प्रोनेस प्रोवेस, तो इन द किचन फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए डिनर पार्टी। और जो है उनका क्या प्रोनेस मीन्स कुशलता, प्रोवेस मीन्स कुशलता। और जो है वो किचन में, मतलब उन्हें खाने का शौक था, तो जो है वो काफी जो है किचन के काम में क्या थे, कुछ परफेक्ट थे। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए डिनर पार्टी, और जो है वो हमेशा क्या करते थे, प्लान करते थे डिनर पार्टी के लिए। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना, अब एक समय की पहले की बात बता रहे हैं वो, कि इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी, एक इसी तरह की पार्टी थी गिवन वाइल इन, जब वो ही वॉज इन एरिजोना में जब थे वो, दैट ही मेट जेम्स मैरल, और वहां पे जो है वो जेम्स मैरल से मिले थे, द पोएट हु वॉज टू रेडिकली ऑल्टर द, रेडिकली मीन्स मूल रूप से जो है ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री। इट वॉज आफ्टर हिज दिस एनकाउंटर, उनके मिलने के बाद, दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न एंड वर्स फॉर्म्स। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद पोएट्री देन जेम्स मैरल। इंडीड इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मीन्स स्पष्ट रूप से, स्पष्ट मतलब क्लियर रहता था, प्रीफिगर्ड हिज ओन डेथ, आई ड्रीम, आई ड्रीम, आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ही अवॉर्डेड द एनवॉय टू मैरिल शाहिद हर्ष, दिस इज मी जेम्स द लव वन ऑलवेज लीव्स। शाहिद प्लेस ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एक्स एक्टिट्यूड इन कुकिंग एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपीज। अब जो है वो क्या चाहते थे कि ट्रू जो है उनको एक्सपेक्टेशंस भी रहती थी, और एक जो है ऑथेंटिसिटी थी उनकी जो है कुकिंग में, कि कोई भी जो है ये टॉलरेट नहीं करते, तो डो डोवे कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स और रेसिपीज हैं खाना बनाने की जो है, फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स, और कुछ लोग हैं ना जैसे शॉर्टकट कर देते हैं, ही हैड ओनली पिटी, ही हैड अ स्पेशल पैशन, पैशन मीन्स तरीका, फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन, अपने रीजन का, वन वेरियंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल। अब पंडित स्टाइल में जो कश्मीरी फूड है वो उन्हें बहुत पसंद था। आई आस्क्ड हिम वंस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ ए रिकरेंट ड्रीम। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें ये चीजें ही क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा रिकरेंट ड्रीम मीन्स कि उन्हें जो है एक बार बार क्या आता है, एक स्वप्न, सपना आता है, क्या सपना आता है, कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल। आई आस्क्ड हिम वंस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम, ही एक्सप्लेन दैट इट वाज बिकॉज ऑफ ए रिकरेंट ड्रीम इन विच ऑल द पंडित्स, और उन्हें जो है एक सपना जो है बार बार क्या करता है, ड्रीम सपने में आता है, कि जिसमें उन्हें क्या दिखाई देता है कि जितने पंडित हैं कश्मीरी पंडित हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, कि वहां से चले गए हैं, एंड देयर फूड हैड बिकम एक्सटिंक्ट, और जो उनका पंडित स्टाइल वाला जो खाना है वो भी क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है। दिस वॉज ए नाइटमेयर, और ये जो है एक कैसा सपना है, बुरा सपना, नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना है। क्या है बुरा सपना,
कि मैं कश्मीर वैली से जो है सारे पंडित जो है वहां से वैनिश हो गए हैं, और जो ना उनका फूड स्टाइल है वो भी जो है वहां से एक्सटेंट हो गया है, और ये जो है दिस वॉज ए नाइट मेयर दैट हॉन्टेड हिम, जो कि उन्हें बार बार क्या कर रहा है सपने में जो है, एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन इन हिज कन्वर्सेशन एंड हिज पोएट्री. और यही बातें जो हैं जो उनको सपना दिखाई देता था कश्मीरी पंडित का, और ये जो है उनके कन्वर्सेशन मीन्स उनके बातचीत में और उनकी पोएट्री में भी दिखाई देता था. एट ए सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, यू नीडेड मी, यू नीडेड टू परफेक्ट मी, इन योर एबसेंस यू पॉलिश्ड मी इन टू द एनिमी, योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी. तो ये सारी जो है बातें जो है वो अपनी पोएम में लिखते थे. आई एम एवरी थिंग यू लॉस्ट, योर परफेक्ट एनिमी, योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, देयर इज नथिंग टू फॉर गिव, यू वॉन्ट फॉर गिव मी, आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, देर इज नथिंग टू फॉर गिव, यू वॉन्ट फॉर गिव मी, इफ ओनली सम हाउ यू कुड हैव बीन माइन, वॉट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड. तो अपनी पोएम में वही बातें जो है वो लिखते थे. वंस इन कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी, एक बार उन्होंने जो है बातचीत में ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, और एक बार उन्होंने कहा कश्मीरी खाने के अलावा पंडित स्टाइल में खाने के अलावा उन्हें क्या पसंद था. ये बातें किसको बताई थी उन्होंने, ऑथर को बताई थी, अमिताभ घोष को बताई थी, कि उन्हें जो है बंगाली जो है खाना भी बहुत क्या था पसंद था. बट शाहिद यू हैव नेवर, और आई प्रोटेस्टेड, आई प्रोटेस्टेड किसने बोला, लेखक ने बोला, राइटर ने बोला, बट शाहिद यू हैव नेवर इवन बीन टू कैलकटा, कि तुमने कभी तो तुम कैलकटा नहीं गए थे. नो ही सेड, उसने बोला नहीं, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड, कि कई मेरे फ्रेंड्स थे जो खाना लाते थे. व्हेन यू एट इट यू कुड सी दैट देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट एवरीवेयर इन द कंट्री. व्हाट आई से इज व्हाई कांट यू बी हैप्पी विद द कुशंस एंड द क्लोथ्स एंड द म्यूजिक एंड ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स. और क्वेश्चन बोलते हैं कि किचन की जो एक्टिविटीज हैं, क्लोथ्स और इन चीजों में जो है इंटरेस्ट लो, और थोड़ा सा वो क्या करते हैं फिर रुक जाते हैं. एंड एडेड सॉफ्टली, एट लीस्ट हियर वी हैव बीन एबल टू मेक अ स्पेस वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर, और यहाँ पे जो है भी एक छोटा से क्या है जगह बना सकते हैं जहाँ पे क्या है वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर, जहाँ हम सब मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स, अच्छे चीजों के लिए जो है हम मिल सकते हैं. क्योंकि सबको पता है हमारे देश में क्या है, बहुत वैरायटी है. अगर हम कंट्री के किसी भी देश में चल जाएंगे तो सबका खाने का जो है वे तरीका जो है स्टाइल है सबका अलग अलग है, और सबका जो टेस्ट है वो अलग है. तो इसको जो है यहाँ पे उन्होंने जो है इसी चीज को जो है पोएट ने जो है अपने कविता के माध्यम से या कन्वर्सेशन लेखक के से जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी है. ऑफ द मैनी गुड थिंग्स इन विच वी टुक ही टुक प्लेजर, नन वॉज मोर डियर टू हिम देन द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, क्योंकि उनको खाने का और गाना सुनने का जो है बहुत ज्यादा शौक था शाहिद को. ही हैड मेट द ग्रेट गजल सिंगर वेन ही वॉज इन हिज टीन्स, इन हिज टीन्स माने जब वो बहुत ज्यादा क्या थे यंग, थ्रू ए फ्रेंड, एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, और उनकी लाइफ में भी जो है काफी जो है इन्फ्लुएंस हुआ था उनसे. शाहिद हैड ए फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी. रिपार्टी किसको बोलते हैं, हाजिर जवाबी. तो उनका जो है काफी उन्होंने उसको नोट करा था. तो आई थिंक जितना आज आपको भी पढ़ाया है आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट प्लेस डिड द राइटर Did the writer make with Shahid?
मेक विद शाहिद, हाउ डिड ही फुलफिल इट, हाउ डिड ही कैसे उसको फुलफिल किया था। शाहिद हैड आस्क्ड द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। द राइटर हैड प्रॉमिस्ड, राइटर ने क्या प्रॉमिस करा था, दैट ही वुड डू द बेस्ट ही कुड, कि वो अपने क्या अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। नाउ ही स्टार्टेड कीपिंग अ रिकॉर्ड, और कैसे पूरा करा था उन्होंने कि उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं जो उनकी कन्वर्सेशन हुई थी, बातचीत हुई थी। स्टार्टेड कीपिंग अ रिकॉर्ड of all the conversations and meetings he had with Shahid. It was this record that made it possible for him to fulfill the pledge. और इस तरह से जो उन्होंने रिकॉर्ड करी थी उनकी कन्वर्सेशन को, जो रिकॉर्ड करा था वो जो है उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा लिखने के बारे में। What did the writer think about Shahid's, क्या था कलेक्शन का नाम, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। तो इसमें क्या है कि जो राइटर हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द राइटर थिंक, व्हाट डिड द राइटर थिंक the country without post office, so इसका आंसर है this। तो उनका जो ये कलेक्शन था काफी फेमस था और इसने काफी इम्प्रेशन जो है, काफी इम्प्रेस हुए थे जो है ऑथर जो है, काफी इम्प्रेस हुए थे। तो दिस बुक वॉज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय शाहिद, शाहिद की पोएम का क्या था ये एक कलेक्शन था। इट इम्प्रेस द राइटर ग्रेटली, ही फेल्ट दैट शाहिद वॉइस वॉज लाइक नन ही हैड हर्ड बिफोर, इट वॉज एट वंस लिरिकल एंड फर्स्टली डिसिप्लिन, इट वॉज ए ट्रू क्या था, एक पोएटिक स्टाइल था जैसे बताया था ना पहले बार्डिक स्टाइल, तो ये जो है उनके बारे में सोचते थे। तो व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट शाहिद, यहाँ पे एक सेंटेंसेस वन सेंटेंसेस में थिंक अबाउट शाहिद apostrophicus, ठीक है। What did the writer think about Shahid's country without post office? तो जैसे कि आपको पता है कि क्या था ये, the country without a without a post office is a poetic collection था उनका। I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो आज पढ़ाया था। तो ये पूरा चैप्टर जो है शाहिद के बारे में है और लेखक ने जो किस तरह से जो है उनकी फ्रेंडशिप थी उसको जो है यहाँ पे बताया गया है, और किस तरह से शाहिद जो है कैंसर से जो है सफर कर रहे थे और फिर भी जो है उन्होंने जो है एक घर का जो माहौल जो था वो जो है डिप्रेस नहीं बना रखा था, और जहाँ पे जो है काफी लोग जो है लोग आते थे खाना खाते थे। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट होता है तो वो जो है 4 दिन में जिसकी मृत्यु होनी होती है तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा माहौल बना रहता है तो उसको जीने की थोड़ी इच्छा हो जाती है। तो यहाँ पे भी जो है चैप्टर में सिमिलरली कि जो है शाहिद हैं जो कश्मीर के रहने वाले हैं और कश्मीर में जो बहुत क्या और बहुत प्यार करते थे और जो है प्रकृति से जो है उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था, और अपनी पोएम में भी वो इन्हीं चीजों को जो है डिस्क्राइब करते थे। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप जो है घर में डेली टू डेली जो है याद करते रहें और लिखते रहें। तो आज के लिए जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।